अक्सर ही तुसी तियां दा समागम वेख्या होवेगा, पर हुण तुहानू दिखाउने आ इह अनोखी तियां। जिथे एक पासे महिलावां दा धरना चल रहा सी तां दूजे पासे तियां मनाईयां गईयां सन अते महिलावां ने बोलियां भी पाईयां। दरअसल इक किसान दे वल्लों तियां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई, उत्थे हंगामा होया अते किसान ट्रैक्टर ट्राली लिया के तियां नूं रोकण दी कोशिश करदा नजर आया। यह मामला फिलौर दे नगर बिगला तो सामने आया, जिथे तियां दे त्योहार दे विच उस वेले हंगामा हो गया जदों एक किसान बूटा सिंह वल्लों शाम नूं अपनी ट्रैक्टर ट्राली लगा के तियां नूं रोकण दी कोशिश की गई। किसान वल्लों ट्राली ना परे करन ते बीबियां वल्लों तियां वाले चौंक दे विच ही धरना लगा के रस्ता जाम कर दिता गया ते नारेबाजी की गई। मामला विगड़दा देख थाना बिगला मुखी यादविंदर सिंह अपनी पुलिस पार्टी नाल मौके ते पहुंचे अते स्थिति नूं कंट्रोल दे विच करदिया ट्रैक्टर ट्राली नूं उत्थों हटाया गया। उस तो बाद देर शाम तियां फिर शुरू हो सकिया। इस मौके जानकारी दिंदे हुए थाना मुखी ने दस्सिया है कि इस जगह दा पंचायत अते बूटा सिंह विचकार झगड़ा चल रहा है अते दोवें ही पार्टियां वल्लों स्टे लिया होया है। उन्होंने कहा है कि दोवें ही पार्टियां नूं थाने बुलाया गया ताकि बैठ के गलबात करवाई जा सके। इस मौके पंजाबी विरसा दी प्रधान सतवीर कौर ने दस्सिया कि असीं करीब 30 सालों तो यह तियां दा त्यौहार इत्थे मना रहे हां ते बूटा सिंह वल्लों मलकीयत होण दा दावा किया जा रहा। प्रधान ने कहा कि असीं 2 वार इस तियां वाली थां ते केस जीत चुके हां अते वार वार बूटा सिंह उन्हां नूं परेशान कर रहा अते गलत शब्दावली भी वरत रही है। जी भाजी, असीं तकरीबन 11 तारीख तो साडियां तियां स्टार्ट आ, तां उदन भी जदों आए तां इत्थे इट्टां रोड़े बहुत पए सी, जिन्हां दे पए सी ओह जदों चक्कण लगे इन्ने उन्हां नूं गालां इन्नियां गंदियां कड्डियां कि मैं बोल के दस नहीं सकदी। इस टाइम किहने कड्डियां गालां? बूटा सिंह ने है ना, एक कहंदा, उह कहंदे तियां वाला चौंक आ, कूड़ा असीं सुट्टिया असीं चक लांगे। कहंदा आए सी पहलां कि कानिआं नूं सट के गए सी, जाणी इदां दीआं गंदियां गालां इन्ने कड्डियां, पर ओह इहनूं मूहरे हाथ जोड़दी रही। ओह कहंदी चाचा जी तुसीं मापा आ साडा, इदां ना बोलो। चल उदन असीं कुछ नहीं किया, असीं शाम नूं आ के तियां लाईआं। ਇਹ ਜਿਉਂ ਕੋਠੇ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜਾ, 8:30 ਵਜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਘਟਣਾ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਲਾਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 112 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ 10-12 ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਸ਼ੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 112 ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਏ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस मॉल में भी बम की सूचना है और उस सूचना के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और दूसरी एजेंसियां यहां पहुंची हैं। पूरे मॉल को खाली करवाया जा चुका है। जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे उन सबको बाहर निकाला गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि सूचना मिली है तो जाहिर सी बात है उसे गंभीरता से लिया गया है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाह पर हो, लेकिन पुलिस कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस मॉल के अंदर से सभी लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया है। गुरुग्राम पुलिस मौजूद है, खुद एम्बियंस मॉल की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है, इसके अलावा दूसरी जो अथॉरिटीज है उनके लोग यहाँ मौजूद है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो आज वीकेंड के अंदर इस एम्बियंस मॉल के अंदर आए थे, चाहे वो शॉपिंग करने आए हों या फिर चाहे वो यहाँ पर मूवी देखने क्यों ना आए हों। इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से जो बाकी दूसरी अथॉरिटीज के लोग हैं वो इस एम्बियंस मॉल के अंदर इस वक्त मौजूद है। करीब 12 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को ये सूचना मिली थी और उसके बाद इस पूरे मॉल को खाली करवाया गया है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जो जाहिर सी बात है कि काफी भीड़ भाड़ थी इस वक्त यहां पर जब ये सूचना मिली, और अब इस पूरे मॉल को एहतियात के तौर पर खाली करवा लिया गया है। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस मॉल में भी बम की सूचना है और उस सूचना के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और दूसरी एजेंसियां यहां पहुंची हैं। पूरे मॉल को खाली करवाया जा चुका है। जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे उन सबको बाहर निकाला गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि सूचना मिली है तो जाहिर सी बात है उसे गंभीरता से लिया गया है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक अफवाह पर हो, लेकिन पुलिस कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस मॉल के अंदर से सभी लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया है। गुरुग्राम पुलिस मौजूद है, खुद एम्बियंस मॉल की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है, इसके अलावा दूसरी जो अथॉरिटीज है उनके लोग यहां मौजूद है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो आज वीकेंड के अंदर इस एम्बियंस मॉल के अंदर आए थे, चाहे वो शॉपिंग करने आए हों या फिर चाहे वो यहां पर मूवी देखने क्यों ना आए हों। इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से जो बाकी दूसरी अथॉरिटीज के लोग हैं वो इस एम्बियंस मॉल के अंदर इस वक्त मौजूद है। करीब 12 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को यह सूचना मिली थी और उसके बाद इस पूरे मॉल को खाली करवाया गया है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जो जाहिर सी बात है कि काफी भीड़ भाड़ थी इस वक्त यहां पर जब ये सूचना मिली, और अब इस पूरे मॉल को एहतियात के तौर पर खाली करवा लिया गया है। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस मॉल में भी बम की सूचना है और उस सूचना के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और दूसरी एजेंसियां यहां पहुंची हैं। पूरे मॉल को खाली करवाया जा चुका है। जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे उन सबको बाहर निकाला गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि सूचना मिली है तो जाहिर सी बात है उसे गंभीरता से लिया गया है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाह पर हो, लेकिन पुलिस कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस मॉल के अंदर से सभी लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया है। गुरुग्राम पुलिस मौजूद है, खुद एम्बियंस मॉल की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है, इसके अलावा दूसरी जो अथॉरिटीज है उनके लोग यहां मौजूद है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो आज वीकेंड के अंदर इस एम्बियंस मॉल के अंदर आए थे, चाहे वो शॉपिंग करने आए हों या फिर चाहे वो यहां पर मूवी देखने क्यों ना आए हों। इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से जो बाकी दूसरी अथॉरिटीज के लोग हैं वो इस एम्बियंस मॉल के अंदर इस वक्त मौजूद है। करीब 12 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को यह सूचना मिली थी और उसके बाद इस पूरे मॉल को खाली करवाया गया है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जो जाहिर सी बात है कि काफी भीड़ भाड़ थी इस वक्त यहां पर जब ये सूचना मिली, और अब इस पूरे मॉल को एहतियात के तौर पर खाली करवा लिया गया है।